हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हो भाई सारे? राम राम, राधे श्याम। तो भाई आज हम बात करेंगे अपनी BMW को लेके, क्योंकि भाई बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, भैया आप अपनी BMW Z4 को रैप करवाओ, रैपिंग करवाओ, ये वो। भाई इतनी कमेंट्स आ रखी थी, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी रैपिंग करवा दी जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई पहले हम थोड़ा देखेंगे हमारी गाड़ी। देखो भाई अभी ऐसी है प्रॉपर, आपको पता ही है, ग्राफिक्स करवा रखे हैं मैंने, और रेड कलर में अपनी गाड़ी है, जो ऑर्गेनिक इसका कलर है चेरी रेड, और आगे हमने राम राम लिखवा रखा है, और पीछे हमारी गाड़ी का नाम लिखवा रखा हमने लाडो, और इस तरफ भी भाई सेम ग्राफिक्स है हमारे, देख लो। वैसे तो सबको पता ही है, पर फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि क्या पता भाई इसके बाद आपको ना देखने को मिले, मैं आज रैप करवा दूँ, ऐसा भी हो सकता है। मगर क्यों? तो अभी हम जा रहे हैं रैपिंग स्टूडियो, और वहाँ पे चल के देखेंगे कौन कौन सी शेड्स अवेलेबल होंगी और क्या इस पे सूट करेगा, आज पता करके आएंगे भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और अगर मेरे को आज कोई कलर फाइनल कर दिया मैंने, तो इसको आज मैं रैपिंग पे भी देके आ जाऊंगा। गाइज इसकी रैपिंग तो हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ये सजेस्ट करो कि और कुछ भी करवाया जा सकता है क्या? वैसे हमारे इंटीरियर को देख के हमें लगता तो नहीं कि इंटीरियर में कुछ भी करवाने की जरूरत है हमें, लेकिन एक्सटीरियर में हम करवा सकते हैं, लाइक रैपिंग तो करवानी है ही, उसके अलावा कुछ एक्सटीरियर में हम क्या करवा सकते हैं? विनय टायर्स में कुछ? टायर्स में अभी रैपिंग पे ध्यान देते हैं। तो रहन दो फिर। गाइस आप सजेस्ट करो कुछ टायर्स में हो सकता हो, या फिर कुछ टेल लाइट्स, या फिर स्पॉइलर वगैरह, कुछ ऐसा आप सजेस्ट करो कि क्या Z4 के लिए और अच्छा हो सकता है। रेफरेंस के लिए भाई आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपको लगे कि ये वाला लुक सही रहेगा Z4 के लिए, वो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे टैग कर देना, मैं देख लूंगा वहां से कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है Z4 के साथ। तो भाई ये देखो, जाने से पहले हमारी गाड़ी में पंचर हो गया था, अभी आगे वाले टायर का प्रेशर आप देख सकते हो 14 है, और अभी हमने जुगाड़ करा है अपनी मशीन से, और विनय की टियागो से कनेक्ट कर दी है, बिजली वहां से आ रही है, और बिजली से हवा बन रही है, और हवा डल रही है टायर में। अब ये पंचर वाले तक लेके जानी है, फिर इसमें पंचर लगवाना है, फिर हम जाएंगे रैपिंग वाले के पास। और देखो भाई धीरे धीरे भर रही है, 14-3 अभी 15 हो गई है, इसको हमें करना है 30, और जैसे 30 होगी फिर पंचर लगवाएंगे, फिर निकलेंगे। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं, हमें जाना है गाइज रोहिणी, और यहाँ से भाई 34 किलोमीटर दूर है। अब देख लो हमें लगेंगे मोटा मोटा 1.5 घंटा भाई। हमारे इधर तो ट्रैफिक होता नहीं है, हमारे रोड देख सकते हो आप गुड़गांव के गाइज, हमारे तो ऐसे रोड है, देखो गाड़ी ऐसे भागती है इसमें, ये देखो 120, 130, 140, 150, 160 भाई हमारे यहाँ तो गाड़ी ऐसे भागती है देखो नॉर्मल, और दिल्ली में 35, 40, 45, 50। कोई नहीं भाई, अब 1.5 घंटा काटेंगे, क्या करें, गाने सुन के काटेंगे भाई। सो गाइज हम लोग फाइनली रोहिणी पहुंच गए हैं, और अभी हम अपनी गाड़ी डाल रहे हैं अंदर स्टूडियो में, और आज करवा देंगे रैपिंग। आ जाओ भाई। तो गाइज हम आ गए हैं रोलिंग व्हील्स सुरेश भाई के पास। कैसे हो भाई? बढ़िया, भी आप बताओ। तो आज हम अपनी गाड़ी को रैप करवाने आए आपके पास। काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि भाई से मिले और कुछ गाड़ी का डिजाइन बनाए दिमाग में, और सोचे इसको कैसा करवा सकते हैं। तो भाई कौन कौन से कलर हैं आपके पास, आप कुछ बताओ। इसमें कुछ मैं आपको कलर शेड्स दिखाता हूँ। देखो भाई पूरी इन्होंने खोल के दिखा दिया, ये देखो 109 कलर है टोटल, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे यार। भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ कंफ्यूजिंग तो है, बट आपको सिलेक्ट करना है इनमें से। ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, बेबी पिंक करा लूँ भाई? सुंदर लगेगी। पर बेबी पिंक यार मेरे पे सूट नहीं करेगी। ऑरेंज, गोल्डन, ब्राउन, ग्रीन, मतलब सारे कलर्स हैं भाई इसमें, तो मतलब बैठ के सोचना पड़ेगा क्या करवा सकते हैं, है ना? पड़ेगा बिल्कुल। चलो कलर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ हम इस पे रैपिंग करवा लेंगे, ठीक है। थोड़ा एक्सटीरियर में और क्या करवा सकते हैं हम लोग? एक्सटीरियर में कुछ रैप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए देंगे, कुछ अलॉयज में इसका एसेंस देंगे, ओके। इसमें हेड लैम्प्स में कुछ, और टेल लैम्प्स में कुछ थोड़ा सा कस्टम करेंगे, ओके। प्लस इसके जो साइड मिरर्स हैं थोड़ा सा उसमें कोशिश करेंगे चेंज करने का, प्लस जितने ब्लैक पार्ट है, मतलब बेसिकली जो लुक इसमें देंगे वो टोटली अलग ही होगी आप। ओके तो भाई अब एक्सटीरियर में तो हम इतना सारा करवा ही रहे हैं, इंटीरियर में भी कुछ हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन, थोड़ा ज्यादा नहीं बट माइनर साइज में, क्योंकि हमारा वैसे ही टॉप मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, फुल्ली लोडेड है, तो देख लेना कुछ माइनर सा अगर हो सके, माइन्यूट से इसमें चेंजेस होंगे, ऐसा लगे कि अच्छा भी लगे और ऐसा लगे कि ओवर, है ना? बिल्कुल। और एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इंजन विंजन में तो कुछ करवाना नहीं, तो कोई नीड है ही नहीं। बाकी भाई एक बार कलर सेलेक्ट करना हमने बैठ के। वैसे मेरे पास देखो 3-4 ऑप्शंस है, मैंने सोचा था कि येलो तो करवानी थी पर बहुत हो गई, येलो नहीं, येलो नहीं ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज भी सोची थी पर ऑरेंज भी नहीं,
फिर उसके बाद मैंने सोचा था ग्रीन या फिर ब्राउन या फिर थोड़ी सी ब्लूइश टोन में, हमें कुछ इन तीन कलर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। एक बार बैठ के डिस्कस करते हैं और जो बेस्ट होगा उसमें। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई हम इसको किस कलर में रैप करवा दें। देखो तीन चार ऑप्शन मैंने बता दिया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया और ग्रीन हो गया ऐसा कुछ, या नियॉन हो गया, तो बता देना। हो सकता है भाई कुछ अच्छा सजेस्ट कर दो आप और उस कलर में इसको रैप करा दे। बाकी हम लोग तो बैठ के डिस्कस करेंगे ही अपना कि हमें करना क्या है। और इतना भाई ने मेरे को बोला कि ऐसी गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जब रोड पे ऐसी गाड़ी दूसरी नहीं होगी इंडिया के अंदर, रोड पे कह रहे इंडिया में तो एटलीस्ट ऐसी गाड़ी आपको दूसरी नहीं देखने को मिलेगी। और ऐसी करके दे दूंगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये थी आपकी गाड़ी। कह रहे देखने का इसका पूरा लुक, फेस, नजरिया सब बदल देंगे। चलो भाई ठीक है, एक बार कलर डिसाइड कर लेते हैं हम फिर बैठ के। तो भाई गाड़ी अभी हमने वहाँ पे खड़ी कर दी है और अभी हम अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या कलर यहाँ पे सूट करेगा। बाकी भाई की वर्कशॉप है, यहाँ पे गाड़ियों का सारा काम होता है। क्या क्या करते हो भाई? और सब कुछ, मैकेनिकल डिटेलिंग, आपका PPF, रैप और अपना सर्विसिंग, इंश्योरेंस क्लेम, जो एक गाड़ी में होता है, वी आर डूइंग एवरीथिंग। सही है, ऐसा नहीं है कि तो ना कर रहे हैं। तो सही है भाई। अभी भाई हमने कलर फाइनल करना है, ऑडियंस को भी मैंने बोल ही दिया है और अभी हम भी बैठ के अपना माइंड सेट बना लेंगे कौन सा और कौन सा करना। और इनने बोला भाई ने कि तसल्ली से काम करेंगे, चाहे दो दिन के चार लग जाए या छह लग जाए, लेकिन काम ऐसा करेंगे कि मजा आएगा। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी करके दे दिया, क्यों भाई? बिल्कुल काम ऐसा होगा कि लगे कि हाँ काम हुआ है, ऐसा नहीं बस पकड़ा दिया। ठीक है, बस इंतजार रहेगा भाई। अब हो सकता है कि अगर हमने अभी कोई कलर सेलेक्ट कर लिया तो मैं अभी इनको गाड़ी दे जाऊंगा और मैं कैब करके घर चले जाऊंगा और ये आप छुड़वाओगे। अरे बहुत बढ़िया भाई। तो हो सकता है भाई अभी सेलेक्ट कर ले हम कोई कलर और छोड़ दे अपनी गाड़ी को और फिर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको BMW Z4 का पूरा लुक। तो गाइस रोलिंग व्हील से निकल के अभी हम लोग आ गए NSP और अंदर अपने भाई लोग बैठे हुए हैं। तो चलो उनसे भी एक बार सजेशन ले लेते हैं कि कौन से कलर में BMW को रैप कराया जाए। तो आ जाओ। हेलो भाई लोग, कैसे हो? माय गॉड, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। हेलो जी, कैसे हो? जय श्री राम। कैसे हो भैया? जय माता दी भाई। तो भाई मैं ये पूछ रहा था, मैं अपनी BMW Z4 को करा रहा हूँ रैप, तो अपनी अपनी सजेशन दो कि किस कलर में सूट करेगी। तेरे को क्या लगता है कौन सा कलर अच्छा लगेगा भाई? क्रोम सिल्वर क्रोम जो होता है। पूरी सिल्वर करा दूँ या मैट ब्लैक? दो ऑप्शन बेस्ट, सिल्वर या मैट ब्लैक। हाँ। अच्छा, मैट ब्लैक। और आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग भगवा। भगवा ऑरेंज? हाँ, ऑरेंज ही भगवा अलग होता है। हाँ, समझ गया। ठीक है, सिंगल यही और कुछ? सिर्फ भगवा। ओके, आपको क्या लगता है भाई क्या कलर कराना चाहिए? तोतिया करा दे भाई। तोतिया और गे या ऐसा कुछ ग्रीन, ये वाला जो ग्रीन है मेरी शर्ट पे है जो ना भाई, वो नहीं गाढ़ा तोतिया कती गाढ़ा तोतिया। हाँ, कती तोते जैसा। अच्छा, ये मेरे ख्याल सबसे अच्छा, आपसे मेरे ख्याल सबसे बेस्ट कलर रहेगा आपका ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड ऑलरेडी है वो? ऑलरेडी है। हाँ, तो फिर सिल्वर, उसी को चेंज करवा। सिल्वर इज द बेस्ट। तो मैं BMW को रैप करा रहा हूँ, अपना भी सजेशन दो क्या कलर सही लगेगा भाई उसको। पहली चीज तो मैट, और मैट में या तो उसको ब्लू कराओ, मैट ब्लू, या तो उसको वॉयलेट कलर जो होता है, वॉयलेट कलर जो होता है, पर्पल सा वॉयलेट कलर। ओके, वो मैट में वो बहुत अच्छा लगेगा। पिंक करा देते हैं, क्यूटी करा दो भाई, क्यूटी। हाँ, क्यूटी के लिए पिंक करा दो, क्यूटी क्यूटीज। हेलो क्यूटी भाई, सबके अलग अलग सजेशन है। निशांत कह रहे हैं सिल्वर, पप्पू मामा कह रहे हैं गुलाबी। गुलाबी नहीं बोला मैंने, ये सीन कट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, मैंने ओके मैंने मैट बोला था, ब्लू में या वॉलेट में। ओके, मैट कलर। ठीक है, और लोकेश भैया ने बोला तोता रंग, और भैया कह रहे हैं ब्लैक, और आपने भगवा, सॉरी भगवा, सॉरी सॉरी सॉरी, और आप कह रहे हो ब्लैक, सिल्वर या ब्लैक। तो सिल्वर क्रोम और ब्लैक, ये ज्यादा हो गया। तो भाई इतने सारे कलर्स के सजेशन हमें मिल गए हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। मैं भी कुछ मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या सिलेक्ट करूँ, देखते हैं क्या मन बनता है। गाड़ी में खैर अभी देके नहीं आया हूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रखा था। अभी मैं डिसाइड करूंगा कलर, उसके बाद फिर गाड़ी वहां पे दे देंगे और फिर अपना रैप करा देंगे। मेरा पे क्यूटी लिखवा दियो। तुसी है बिना डरो, कदे मिलके बैठो, गल करिए प्यार दी, आज काली काली रात मार दी, हाथ ता फड़ो, कदे नहीं छड़दा यार नी, तुसी हुक्म करो, कदे मिलके बैठो। Baby, party like a mamba, mama bullet.
करे तांबा, कभी करे सालसा, कभी करे सांबा, जल भाई तेरी खुशबू चेहरे। सो गाइस वापस पहुंच गए हैं भाई घर पे, और सोचा था कि आज रैपिंग के लिए गाड़ी को छोड़ आएंगे, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी है कौन से कलर का रैप कराऊं। एक दो दिन का टाइम लिया सोचने के लिए, और आप लोग भी सोचो और कमेंट करके बताओ, फिर एक कलर फाइनल करेंगे, फिर कराएंगे इसको रैप। अभी एक काम करते हैं, अभी मैं अपनी छत बंद कर देता हूँ, फिर ऊपर चलेंगे। ऊपर चल के जो जो है सबसे पूछेंगे कि क्या कलर सही रहेगा गाड़ी के लिए, तो वहां से भी थोड़ी सजेशन मिल जाएंगी। चलो चल के देखते हैं गाइस। तो गाइस वापस घर पे आ गए हैं और बहुत ज्यादा थकान हो रखी है, तो चलो घर पे हैं अभी मिक्की और बल्लू। तो एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई गाड़ी पे कौन से कलर का रैप कराना ठीक रहेगा। हाँ भाई अपनी राय दीजिए। सिंपल है, ब्लू कलर की। ब्लू? हाँ। यू वांट कि हमारी स्काई ब्लू हो जाए, आसमान में उड़े? हाँ। अच्छा। ब्लू वाली चीज़ की पसंद है? ब्लू लॉक कर दो। ब्लू को लॉक कर दे क्यों भाई, तू तेरी क्यों सुने, हम औरों की भी तो राय मैटर करती है ना। आपने गजब बेइज्जती है। मतलब देख मैटर करती है, पर ओवरऑल मतलब सबकी सजेशन ले रहा हूँ ना, फिर वहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। इससे ही पूछोगे? इससे ही पूछेंगे। ये तो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड है तू? कलर ब्लाइंड है? नहीं नहीं, मेरे क्या होता है कलर ब्लाइंड भाई, ग्रीन कलर करा दो। अच्छा चल छोड़, ये बता कौन से कलर का रैप करवाए। मैं बताऊँ, या तो बेबी पिंक करा लो या तो ग्रीन करा लो। मोती से बेबी पिंक कौन करवाता है? क्या कर रहा हूं, कलर ब्लाइंड है वो। अरे भाई यार वो येलो कलर। चल बेबी पिंक कैंसिल, कैंसिल ग्रीन करा ले। तो भाई बल्लू ने सजेस्ट किया कि ग्रीन करवा लो। मस्त है, ग्रीन ही करा लो। चलो देखते हैं। और भाई तू भी बता दे विनय। भाई मैं तो तेरे साथ ही था, मैं क्यों बताऊं, मुझे तो पता है कलर कौन सा होगा। अरे मजाक कर रहा हूं गाइस, मेरे हिसाब से होना चाहिए येलो कलर। येल्लो? यस भाई येल्लो का देखते हैं। चलो तो भाई बहुत कंफ्यूजन हो रखी है, तो आप लोग भी सजेस्ट कर देना कि क्या कलर करवाएं, तो थोड़ा एक माइंड सेट बना लूंगा एक दो दिन में, फिर उसके बाद रैपिंग पे दे देंगे। और गाइस इतना प्रॉमिस है कि जब रैप होने के बाद पूरी एक मॉडिफिकेशन के बाद अपनी Z4 आएगी ना, वो एक नंबर होके आएगी। तो देखते हैं भाई क्या होगा, वो तो जब होगा तब पता लगेगा। ठीक है तो चलो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम। बाय गाइस। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.